न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी की बबीना में हो रही करोड़ों की अफीम की खेती को किया गया नष्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस व पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थ निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु गठित टीम व एनसीबी लखनऊ व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान ग्राम खजराहा खुर्द में गाटा संख्या 414 पर 275 वर्ग मीटर पर अवैध अफीम पोस्त की खेती होना पाया गया था। गाटा संख्या 414 के पंजीकरण स्वामी कैलाश पुत्र देवजू निवासी खजराहा बुजुर्ग मंजरा रामपुर चौकी भेल थाना बबीना झांसी है, जो वर्तमान राम सिंह पुत्र स्वर्गवासी पन्ना लाल निवासी खजराहा खुर्द चौकी भेल थाना बबीना के कब्जे में है। वह राम सिंह उपरोक्त द्वारा अवैध अफीम पोस्त की खेती की जा रही थी, जिसके संबंध में अभियुक्त राम सिंह पुत्र स्वर्गवासी पन्ना लाल निवासी खजराहा खुर्द चौकी भेल थाना बबीना झांसी उम्र करीब 76 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई है। वह अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह खेत में खड़ी अवैध अफीम व पोस्त की खेती को NDPS एक्ट की धारा 48 के तहत जब्तीकरण व नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक राइन की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल, खबर आपके लिए।